this is better. Yep. No, like this. Okay. जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हो पा रही, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मैं मोनोलॉग शुरू कर देता हूँ और उसमें आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता। तो आज मैंने सोचा, मैं बस एक वीक रिकॉर्डिंग से आया था, आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, इसलिए मैं सही तरह नहीं कर पा पाया हूँ वो रिकॉर्डिंग। तो जल्दी वापस आ गया था, वेल इट टेक्स टाइम। कैसे हैं आप लोग? हाय आयजा खान, क्या कर रही हैं आप? आज शूट पे नहीं गई आप, आज शूट का ऑफ हो गया था। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर न्यू प्रोजेक्ट भीगी पलकें। बड़ा मज़ा आता है आयजा के साथ शूट पे काम करके, शूट पे काम मतलब शूटिंग करके, इसलिए कि आयजा एक उन मेरे बहुत अच्छे को स्टार्स को वर्कर्स और दोस्तों में से है, जो कि आई ऑलवेज फील लाइक वर्किंग विद फैमिली मेम्बर, बिकॉज दानिश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आयजा का उस हवाले से एक और मेरा और आयजा का ताल्लुक है, क्योंकि आयजा एक बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त, बहुत प्यारी इंसान है। एंड शी सच अ पॉजिटिव पर्सन ऑन द सेट। आई नेवर हर्ड एनी थिंग नेगेटिव फॉर एनी वन फ्रॉम आयजा। एंड आई ऑलवेज से दैट शी इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस जिनके साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब मिलती है। सो वेन एवर आई एम आस्क टू डू एनी प्रोजेक्ट एंड इफ आयजा खान इज इन द कास्ट, देन आई डोंट थिंक ट्वाइस। इवन बिफोर सेइंग येस टू दिस भीगी पलके, वी मेड मेरा फ़ोन कॉल बिफोर सेइंग येस। मैंने उनको कहा था कि आयजा कर रही है तो ठीक है मैं कर लूँगा, और आयजा ने कहा था कि इमरान कर रहा है तो मैं कर लूँगा। और इनिशियली आयजा प्रॉब्ली सेड नो टू दिस प्रोजेक्ट, आयजा रिमेंबर। और मैंने कहा आयजा तुमने हाँ नहीं करनी, अगर तुमने मना कर दिया तो सब। लेकिन जब उसकी प्रोड्यूसर से मीटिंग हुई तो आयजा को उन्होंने किसी तरह मना लिया और फाइनली फिर मुझे भी हाँ करनी पड़ी। बट दिस इज द काइंड ऑफ बॉन्ड वी हैव एंड वी ऑलवेज डू वन प्रोजेक्ट अ ईयर, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा आप लोगों की मोहब्बत से बहुत हिट हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम तुम कौन पिया, देन मोहब्बत तुमसे नफरत है, देन कोई चांद रख, एंड नाउ दिस भीगी पलकें। इंशाल्लाह देखिएगा कि बहुत अच्छा जाएगा। और उसके अलावा भी हमने एक प्रोजेक्ट साथ किया था, दैट वॉज अ वन ऑफ विच आई वॉज अबाउट टू टेक अ ब्रेक बिकॉज आई वॉज गोइंग फॉर बॉलीवुड की फिल्म। एंड उससे पहले मैं छुट्टी मतलब ब्रेक लेना चाह रहा था अपनी एक्टिंग से, और उस वक्त मैं आशिकी नहीं कौन सा प्रोजेक्ट भी राजकुमार संतोषी की किसी फिल्म के लिए मैं इंडिया जा रहा था, जो कि नहीं हो सकी, मतलब वो फिल्म रुक गई थी। तो आखिरी प्रोजेक्ट अंजलीन ने मुझे कहा था, उसमें मैं कुल्फी वाला बना था, ऐसा उसमें एक हसीना बनी थी जो कि गली में रहती है, जिनके इश्क में मैं पागल होता हूँ। तो वो मैंने हाँ की थी सिर्फ इसलिए कि चलो जाते जाते एक अच्छी सी एक एक्ट्रेस के साथ काम करेंगे। एंड आई न्यू उस वक्त आयजा भी काफ़ी नई सी थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाद में हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे और इतना अच्छा हमारा एक कॉम्बिनेशन और एक कपल जो होगा वो ऑन स्क्रीन लोगों को पसंद आएगा और इतना हिट होगा। हाँ आयजा, ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा जो है ना चैट आपके नाम हो गई। बट यू आर द काइंड ऑफ पर्सन डेफिनेटली। वालेकुम अस्सलाम जनाब, 4885.fa, ये क्या आपका कोई कोड है कि आप स्मगलिंग वगैरह करते हैं, जिसमें आपने दूसरे स्मगलर को कहना होता है कि मेरा कोड है 4885.fa। यस आयजा, हाय वंस अगेन। एंड मुझे क्या हुआ यार, आई एम कौन पूछ रहा था ये? सना अमजद। सना, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है यार, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड नॉट हैविंग एम्पल ऑफ वाटर, सो दिस थिंग हैपन्स कि गला थोड़ा सा वो ख़राब हो जाता है। और बाकी ये कि जी बिल्कुल आयजा के साथ लाइव आएंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम ऑन सेट। आयजा अगर आप हो भी तो लेट्स डू दिस कमिटमेंट विद आवर फैंस दैट व्हेन एवर वी आर टुगेदर नेक्स्ट टाइम फॉर द शूट वील कम लाइव, राइट? तो आप मेरे पेज पे भी और आयजा अपने पेज से हम लाइव आ जाएंगे और फिर हम आपके
या ग्रीनो ग्रीनो जी, हम जब ग्रीनो ग्रीनो नहीं पीते तो फिर ये होता है, आज 2 दिन से मैंने कोई ज़्यादा वो ग्रीन वाला जूस नहीं पिया क्योंकि मैं कमरे में था और अचानक हमारा डे ऑफ हो गया था। सो जनाब ऑलराइट, वन ऑफ द रीजंस फॉर कमिंग हियर लाइफ वाज टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स। मैं कल एक जगह पे गया था जहाँ एक बहुत प्यारा सा एक शेर था, एक लॉयन था जिसको बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही प्यारा, लेकिन जानवर तो जानवर होता है, बार बार किसी वक्त भी उसकी दोस्ती जो है ना वो उसकी इंस्टिंक्ट के अंडर आ सकती है और वो झपट्टा भी मार सकता है और वो कुछ पंजा भी मार सकता है। बट आई लव एनिमल्स, आई लव एनिमल्स, आई एम लाइक इंसानों से मुझे बहुत प्यार है लेकिन जानवरों से तो मुझे बेतहाशा प्यार है, इसलिए कि जानवर जो होते हैं वो इंसानों की तरह धोखा नहीं देते, तो मुझे जानवर बहुत प्यारे लगते हैं, कोई भी जानवर हो, एक दो जानवरों के अलावा वो छिपकली और इस तरह की कोई एक दो चीज़ें, इवन सांप भी मुझे बुरे नहीं लगते। तो मैं जानवरों को मारने के और जानवरों को टॉर्चर करने के अगेंस्ट हूँ बहुत ही ज़्यादा। अ फ्यू पीपल, वेट अ सेकेंड, यस, अ फ्यू पीपल रिएक्टेड टू माई वीडियो एंड स्टार्टेड शोइंग कंसर्न, विच आई अप्रिशिएट अगेन बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल एज वेल हु नो हु डोंट अप्रिशिएट एनिमल्स बींग केज्ड और एनिमल्स बींग ट्रीटेड इम्प्रॉपरली, अनएथिकली। तो ये सारे जानवर जो होते हैं, इवन शेर है, इसको भी आप घर पे नहीं पाल सकते और इसको पालना भी नहीं चाहिए, इसको केज नहीं करना चाहिए। इवन मैं जू जो होते हैं उनके भी बहुत खिलाफ हूँ, इसलिए कि आप जानवरों को आप केज कर देते हैं, और जानवर इसलिए नहीं होते कि इंसान को एंटरटेन करें, या वो इसलिए नहीं होते कि उनको कैद में रखा जाए। मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नॉर्मली आई डोंट क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स, जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं मुझे कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए कि आई ऑलवेज से दैट वट एवर पीपल थिंक अबाउट मी इज नॉट माई बिजनेस, यू यू कैन आस्क दैम वट एवर दे हैव द पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेरोगेटिव अबाउट मी। आप उनसे बात करें, किसी से भी, जो कोई भी मेरे बारे में कोई बात करता है, मैं कभी सुनता हूँ कि कोई मुझे कह रहा है कि आप इमरान अब्बास तो एक्टर ही नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कुछ है, ठीक है जी, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, ये आपका आपकी राय है। मेरे घर में एक जमादार ने आके मुझे कहा था कि मैं बड़ी हंसी आ रही थी, उसने कहा कि जी मैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ही नहीं मानता। तो मैंने सोचा कि भाई तेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, वो प्रेसिडेंट है अपनी जगह पे अमेरिका का, और ना ही उसने कभी आके उससे पूछना है कि तू मुझे प्रेसिडेंट क्यों नहीं मानता। तो ये वही वाली बात है कि अगर कोई मुझे एक्टर नहीं मानता या कोई मतलब, तो भाई आप आपके नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं यहाँ 15-20 सालों से काम कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है जैसे काम कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझे नहीं भी मानते तो भी कोई मसला नहीं है, मैंने एक्टिंग के साथ कोई जो है ना वो अपनी कब्र में नहीं लेके जाना, एक्टिंग का कोर्स करके और एक्टिंग का अपने आप को मनवा के। मैंने पाकिस्तान में बड़े बड़े एक्टर्स को बड़ी बुरी बुरी हालात में देखा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम फाइनली मैंने देखा है कि वो हॉस्पिटल में बेचारे जब मर रहे होते हैं तो उन्हें कोई पूछने भी नहीं आ रहा होता। तो ये बड़ी नाकदरी दुनिया है, तो इसलिए इसमें आपको अपने आप को मनवाने की ज़रूरत नहीं है, डू वट एवर यू फील ग्रेट अबाउट जिससे आप सेटिस्फाइड हों। और मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में अपने आप को एक्टर मनवाने नहीं आया, दैट वॉज माई ब्रेड एंड बटर, ये मेरी रोजी रोटी है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस इंडस्ट्री में एक अरसे से काम कर रहा हूँ, इज्जत से काम कर रहा हूँ, अच्छे अमाउंट में काम कर रहा हूँ, और मुझे मैं पाकिस्तान में उन चंद एक्टर्स में से हूँ जिसको एक्नॉलेजमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर मिली, जिसको अप्रिशिएट करने वाले सिर्फ यहाँ के लोग नहीं थे, मैंने तो पाकिस्तान के बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। अभी तक मैं तकरीबन 250 से ऊपर प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, तो मैंने सिर्फ अपनी शक्ल के ऊपर नहीं किए, अगर मैंने मुजफ्फर अली जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया जिन्होंने शबाना आजमी, समीता पाटिल, रेखा, फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है, तो कोई मजाक नहीं था। अगर मैंने राजकुमार संतोषी और संजय लीला भंसाली और विक्रम भट्ट और करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स की ऑफर्स रिसीव की हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैं आपसे लोगों से सिर्फ ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाहर जब हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक बहुत बहुत इज्जत की बात होती है आपके मुल्क के लिए।
हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक चीज ये निकल आई है कि आपने नेगेटिव कुछ कुछ बोलना है, कुछ भी हो, तो आप अपने आप को जब तक नेगेटिव नहीं बोलेंगे आप समझते हैं कि शायद आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अप्रिशिएट करना सीखिए, लोगों के बारे में पॉजिटिव रहना सीखिए। सिर्फ ये तरीका नहीं होता अपने आप को हाईलाइट करने का या अपने आप को प्रोमिनेंट करने का कि आप कोई बकवास करें किसी के बारे में, कोई नेगेटिव बोलें। आपके अंदर की जो ये जो नेगेटिव नेगेटिविटी है ना, ये जो मनफी रवैया है, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह आपके अपने लिए होता है। हर किसी के लिए अच्छा सोचिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। क्यों ऐसी कोई बात, अब मैं 10 लोगों ने कोई अच्छी बात की होगी, एक ने लिख दिया होगा कोजा, एक ने लिखा होगा ओ हो इमरान की इस गर्दन को अगर शेर ने पकड़ लिया होता तो वो उठा के उसको वहां फेंक देता, अबे क्या कर रहा है साले ये वो। मतलब यार आपके अंदर को इतनी कड़वाहट भरी हुई है, आपको क्या दिन में मारें पड़ रही होती हैं जो आप रात को बैठ के जो है, या आप दुनिया में इतनी आपको मनफी रवैये देखने को मिल रहे होते हैं कि आप आखिर में बैठ के उसका गुस्सा निकाल रहे होते हैं। और कुछ अच्छा अच्छा सोचें यार, हमेशा आपकी इतनी जिंदगी आसान होगी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप छोटी सी जिंदगी के अंदर अपने इतनी मनफी वाइब्स अपने आस पास इकट्ठी ना करें, उसको रिएक्ट ना करें कि आप सबके लिए मुश्किल करें और खास तौर पे अपने लिए। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग व्हाटएवर टू एनीथिंग, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी ऑफ व्हाट आई डू। सो हाय अभिनीत, हाय, आई एम गुड, आई एम इन इस्लाम कराची पाकिस्तान राइट एट द मोमेंट। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मुंबई, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा जी जनाब, तो बात क्या हो रही थी, कहाँ से कहाँ निकल गया। सो बस ये कहूँगा कि बातों की उन लोगों को इज्जत कंसिडर किया करें जो वाकई जिनकी अपनी माशरे में कोई इज्जत हो, जिनका अपना कोई मकाम हो, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिनका अपना कोई से हो। बाकी उनकी भी बात का एक्सट्रैक्ट लिया करें कि किस वेयर वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ही यही होता है कि उन्हें नेगेटिव बोलना होता है, तो अल्लाह उनको खुश रखे, उनको हिदायत दे, उनके लिए बस दुआ करें। मेरी बहुत हमदर्दी होती है उन लोगों के साथ, इसलिए मुझे पता होता है कि उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या चल रहे होते हैं। अल्लाह मियाँ उनको काम दे ताकि वो इन चीज़ों से निकल के अपने काम की तरफ तवज्जो दें। जहरा हाउ आर यू, बबर शेर, जहरा इज माई बच्चा, माई नीस फ्रॉम शी इज राइट नाउ ऑनलाइन फ्रॉम वर्जीनिया एंड शी इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। जहरा आई लव यू। एंड अब्बास हु इज माई नेफ्यू, हु इज अ प्राइड ऑफ माई फैमिली एंड पाकिस्तान, फॉर बींग समवन हु इज लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 30 under 30, and so, oh yeah, reminder of thank you, Zara. You know how I deviate. So there's lots of distraction in my life. So I just got distracted. Sorry. Yeah, coming back to Simba. So I spent a few hours, a good like, आधा घंटा घंटा. With this amazing lion who was not caged. Actually, जो मेरा दोस्त था अजलान, वो इसको उसने शहर से उसको दूर रखा हुआ है एक बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट में। अच्छा, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि ये जो जब ये छोटा सा कब था, तो ये 3 महीने का था जब इसको रेस्क्यू किया था इन्होंने। ये जख्मी था और इसके माँ बाप नहीं थे, तो उसको इन्होंने पाला पोसा, जवान किया। अब ये 3.5 साल का है और ये इस फैमिली के साथ इतना ज्यादा अटैच हो चुका है कि इसको लगता है कि यही इसके पेरेंट्स हैं। सो ही इज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल विद द फैमिली, एंड ही कैन नॉट नाउ गो बैक टू जंगल बिकॉज उसकी जो आदतें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब आप किसी एक पालतू बिल्ली को भी अगर आप बहुत पैम्पर करें और उसके बाद आपको उस गली में छोड़ दें, तो वो उसको बिल्ले और बिल्लियां मोहल्ले की जो होती हैं ना, उसको नोच देती हैं, उसको खा जाती हैं, उसको जख्मी कर देती हैं। तो इसकी बेशक इंस्टिंक्ट्स इसके वही हैं, लेकिन ये अब वहां नहीं जा सकता। तो इन्होंने इसको एक ऐसी सेंचुरी पे रखा हुआ है जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल है इसके लिए, और इसकी अब मजीद इसकी मेटिंग के लिए एक
और शेरनी भी आने वाली है जिससे इसके बच्चे होंगे, और वो एक बहुत अच्छी सी जगह पे रहेंगे, और उसके बाद इनको उन बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, और इस तरह पाकिस्तान में इसकी ब्रीड जो होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू. सो प्लीज टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड इंस्टेड ऑफ बींग सो नेगेटिव अबाउट एनी थिंग विच एनी वन डज इन लाइफ, लाइक फॉरगेट अबाउट मी फॉर बींग सेलिब्रिटी, मैं जो कुछ कर रहा होता हूँ मेरे तो पीछे पड़ा नहीं होता है आप लोगों ने, इसलिए कि ये आप लोगों का हक है. आप समझते हैं कि शायद कुछ भी हम लोग करेंगे तो आप उसके बारे में जब लिखेंगे तो आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे. जरा यू नो फ्लाइंग कलर्स दिस टर्म रिमेम्बर. तो आपको तभी आपको शायद कोई तमगा इम्तियाज मिलेगा जब आप कोई घटिया बात करेंगे. तो प्लीज ऐसा करना छोड़ दीजिए, अच्छा अच्छा सोचिए, जिंदगी अपनी भी आसान बनाइए और हम लोगों की तो खैर आपने क्या खराब करनी है यार. जिसने जिंदगी अच्छी है बुरी करनी होती है ऊपर बैठा हुआ है. सो आई सीरियसली डोंट गिव अ शिट. अच्छा जनाब, तो ये बात थी जिसकी वजह से मैं आज खास तौर पर आप लोगों के साथ लाइव हुआ था, और उसकी वजह थी सिम्बा. ओके, अब मैं आऊंगा अपनी दूसरी बातों की तरफ. दो तीन बातें हमने डिस्कस की. आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने डर खुदा से को बहुत पसंद किया, और कुन फैकुन भी आप पसंद कर रहे हैं, जो कि हम टीवी पर मेरा 4 साल बाद एक सीरियल है आया है. और एक्सक्यूज मी, और दूसरा क्या, डर खुदा से जो जियो पे चल रहा है उसकी भी इतनी अच्छी रेटिंग. बहुत से लोगों ने मुझे कहा जी आप नेगेटिव रोल क्यों कर रहे हैं. नेगेटिव रोल मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई कि आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरे सीरियल्स देखते हैं, और उसकी एक सर्टन फैन फॉलोइंग होती है और उसकी एक सर्टन व्यूअरशिप होती है. दिस इशू ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ हैपनिंग नाउ डेज एवरीवेयर. सो इट हैड टू बी एड्रेस्ड, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू यूज़ माई पावर, लाइक माई फैन फॉलोइंग, माई फैन बेस और माई व्यूअरशिप टू एड्रेस टू दिस इशू विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड. लड़कियों को जिस तरह बाहर निकलने के बाद दुश्वारियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उनकी लाइफ में, और हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि कुछ भी गलत होता है तो शायद वो लड़की नहीं किया हो उसके बारे में, विदाउट इवन नोइंग, विदाउट इवन डेलविंग इन टू द फैक्ट कि असल हकीकत क्या थी. इसलिए ये एक बहुत बहुत अफसोस की बात है हमारे हमारी सोसाइटी में कि आप औरत को या लड़की को एकदम मुर्दुल इल्जाम ठहरा देते हैं. तो इस चीज को लेके इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है. ऑल्दो आई नो दिस कैरेक्टर इज वेरी वेरी स्लीजी, ये इतना घटिया आदमी है शावेज जिससे आपको नफरत हो जाएगी. बस आप प्लीज मुझसे नफरत मत कीजिएगा, इस कैरेक्टर से नफरत कीजिएगा, क्योंकि आई नो ये शावेज जो है ये बहुत ही गंदा इंसान है, और ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो अपनी पावर का, जो अपनी जगह का, जो अपने स्टैचर का, अपने स्टेटस का फायदा उठाते हैं. तो उन लोगों को हमें कंडेम करना चाहिए. किस तरह ये लड़की अपनी आवाज़ उठाती है इस हरासमेंट के अगेंस्ट, ये इस जो है सीरियल का टॉपिक है, विच इज़ डर खुदा से एंड कुन फयकुन. ऑलराइट, कमिंग टू कुन फयकुन, लॉट्स ऑफ पीपल आर नॉट लाइकिंग द नेम, दे आर लाइकिंग द नेम बट दे आर नॉट लाइकिंग इट एज द टाइटल ऑफ अ टीवी सीरियल. आई अप्रिशिएट, आई ट्रूली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड योर प्रेरोगेटिव अबाउट इट, बट माई पॉइंट इज दैट इसका आप कॉन्सेप्ट देखिए, इस सीरियल की आप कहानी सुनिए, और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि इस कहानी में बात यही की गई है कि कुन फयकुन, यानी अल्लाह जब चाहता है तभी वो होता है, और हम लाख चाहें तो कुछ नहीं होता, उसके सिर्फ एक कुन के हम मुंतजर होते हैं, और जो भी होता है वो हमारे हक में होता है, उसका एक सर्टन टाइम होता है. इस फैक्ट की एक रीइटीरिएशन है जिसको हम कहते हैं सीरियल का नाम. और कुरान पाक में तमाम कायनात का इल्म है, तमाम कायनात के का जिक्र की हर चीज का जिक्र है, हर एलिमेंट का, हर अंसर का, हर चीज का जिक्र है.
और ये एक अरबिक नाम है, अगर अरबी में हम यही बात एक किसी ड्रामे में कहते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है और जब चाहता है होता है, तो उसको यही नाम दिया जाता है ना। तो दिस इज माई पॉइंट विच यू आर ओपन टू डिसएग्री, आप उसको आपका बिल्कुल वो है, अगर आप आपका ओपिनियन कुछ और है तो बिल्कुल वो भी सर आंखों पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें शायद इसलिए इसका नाम रखा गया। और अब आते हैं जी आप लोगों के मैसेजेस की तरफ, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, वट एवर इज पॉपिंग अप ऑन माई स्क्रीन नाउ आई विल जस्ट आंसर दिस वन। ओके, आयशा खान 1253, आपका हर ड्रामा अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच अलीना अंसारी, यू आर वेरी नाइस पर्सन, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हैं जी कि आपने तारीफ की और आपने मुझे पसंद किया। आई एम टर्किश, आई एम योर बिगेस्ट फैन, योर नेम इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान। किसी ने लिखा जी प्लीज स्टेप ऑन मी, वॉट स्टेप ऑन मी, क्यों भाई? अच्छा जी, इमरान अब्बास फैन टर्की, हाउ आर यू? आई एम वेल, हाय भाई, प्लीज से माय नेम, आई एम फ्रॉम इंडिया, क्या नाम है जी आपका? नाजिश, हाय नाजिश, आपकी शेरनी कब आ रही है जी? मेरी शेरनी नहीं, मेरी शेरनी, अच्छा ओके, बस सरप्राइज है जी, मुझे खुद भी नहीं पता सर। मुबीन ने कहा भाई एक बात सुन लें जी, सुनाइए। अच्छा प्लीज ये मत कहिएगा कि मेरा नाम लें, ठीक है, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि फिर वो सबका प्रिय ही होता है, नाम लें नाम लें नाम लें नाम लें नाम लें। थैंक यू सो मच जी फॉर लाइकिंग माई एक्टिंग तरीन, एंड दिस इज तनुश्री, आई लाइक टू वॉच योर ड्रामाज, लव फ्रॉम इंडिया, हाई तनुश्री, थैंक यू सो मच, आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई इंडियन फैंस एंड आई ट्रूली लव देम। हम लोग पता नहीं कब इस इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे, ऑल ऑफ अस, मी एंड यू फ्रॉम इंडिया, आई थिंक वी आर फ्रॉम दिस जनरेशन, और प्रॉबली हमसे बाद भी बहुत सारी जनरेशन आ गई हैं, बट वी आर फ्रॉम द जनरेशन वेयर वी हैव अ वेरी ओपन एंड ब्राइट परस्पेक्टिव टूवर्ड्स आर डिप्लोमेटिक टर्म्स एंड लाइफ, एंड वी नीड अ बेटर वर्ल्ड, अ पॉजिटिव हैप्पी पीसफुल वर्ल्ड फॉर टमोरो, सो वॉर इज डेफिनेटली इज नो सोल्यूशन एंड वी ऑल नीड लव एंड पीस अक्रॉस द बॉर्डर, वी लव ईच अदर, लेट्स नॉट बी also be a victim of this politics and everything, किसी को प्यार की बात करनी चाहिए। अब मैं ये बात करूंगा तो इसमें भी कोई यकीन यहां से पॉइंट निकलेगा कि ओहो इमरान को तो इंडिया में फिल्मों में काम करना है शायद इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं, फॉर गॉड सेक यार, नहीं करना इंडिया में काम अगर नहीं होता तो, इट्स परफेक्टली फाइन विद एवरी वन टू नॉट टू वर्क और वर्क, बट द मेन थिंग इज लाइफ, द डेज वी आर लेफ्ट विद, जिंदगी में हमारे जो चार छः, असद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, जो तुम्हारे, यू आर हैप्पी नाउ दैट आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू टू योर मैसेज बिकॉज यू ऑलवेज कंप्लेन फॉर मी नॉट बींग रिस्पॉन्सिव टू योर मैसेजेस। तो जी बात हो रही थी, सॉरी एंड कहीं से कहीं बात निकल जाती, मैं बात कर रहा था कि हम लोगों को अब इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए, किसी को मोहब्बत की प्यार की बात करनी चाहिए, जंगे हो जाएंगी, एटम बम गिरेंगे, इधर भी लोग मरेंगे उधर भी लोग मरेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो चाहे वो ईसाई हो, लेकिन सबसे पहली बात यह कि इंसान मरेंगे यार, हम कब तक इंसानियत का खात्मा करते रहेंगे इन जंगों के नाम पे? हम होंगे तो मजहब होंगे, हम होंगे तो मुल्क होंगे ना, इंसान होगा तो मजहब होगा, इंसान होगा तो मुल्क होगा, हम ही नहीं बचेंगे तो क्या बचेगा पीछे? सो प्लीज हम सबको चाहिए कि आगे बढ़ें, और चाहे इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज ना हो और पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया में काम ना करें, ये बहुत सेकेंडरी टर्शरी इशूज़ हैं, इनसे बहुत प्रायर हैं हमारी मोहब्बतें, हमारी हमारा मिलना, हमारे हमारे रूट्स, कितने पाकिस्तानी भाई हैं जिनके फैमिलीज इंडिया में रह गई, कितने इंडिया में लोग हैं जो मैं मिला हूँ जिनको कहते हैं कि हमारा बड़ल जाता है पाकिस्तान में, इसलिए हमारे बाप दादा पाकिस्तान से थे, हम कभी नहीं आ सके, तो
ये जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, जो सरहदें होती हैं, इनसे मोहब्बतों के और दिलों के रिश्ते नहीं आपस में ख़त्म होने चाहिए. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वी शुड रियलाइज इट बाय नाउ आफ्टर लूजिंग सो मच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सैड, इट्स वेरी सैड. ओके जी, किसी ने कहा है, करीज ने कहा है कि वाई डोंट आई रिप्लाई टू योर क्वेश्चन वेन आई आस्क यू टू आस्क मी योर क्वेश्चन. लिसन, आप क्योंकि माशाल्लाह इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन नाउ माई फॉलोअर्स, दे आर टचिंग 2.6 मिलियन. दे आर सो मैनी एंड वेन एवर आई पुट दिस स्टेटस ऑफ आस्क मी योर क्वेश्चन, इतने सवाल आते हैं, इतने सवाल आते हैं जो लाखों में होते हैं, हजारों में नहीं होते. सो आई कैन नॉट डेफिनेटली कीप अ ट्रैक ऑन ऑल ऑफ देम एंड आई जस्ट ट्राई टू आंसर वट एवर कम्स ऑन स्क्रीन. सो इट्स वेरी नेचुरल एंड ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. आई जस्ट पिक एंड चूज ओनली 15 और 16 और जितने भी मैं कर सकता हूँ रिप्लाई, बट इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाता हूँ. ओके जी, दिस इज द क्लोज सेकंड. टू बैग बॉल इतना सही है. अच्छा जनाब, थैंक यू गुल इस्लाम, माय हीरो लव्स यू, थैंक यू सो मच जी. व्हाई इट्स नॉट ओके ओके ओके, कुछ फंस गया था जी. व्हाई डोंट यू सी दिस, लाइक कभी कभी देख लिया करें प्लीज. व्हाई डोंट यू सी दिस, व्हाट सी व्हाट आई एम ब्रो प्लीज. ओके नो नो ब्रो, कॉल माई नेम टाइप ये प्लीज, ये नहीं होगा. टोपी पहन लो, मेरी नमाज की टोपी है. हाउ वॉज योर डे और वॉट वॉज द हाईलाइट्स ऑफ द डे? ओके टूडे टुडे आई शैल आई टेल यू. ओके, आज मैंने हजामा कराया. यू नो व्हाट इज हजामा? ये एक सुन्नत नबी है. इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट इन विच कपिंग कहलाती है ये, और ये अरब में होता था, अब सारी दुनिया में होने लगा है. एंड इट इज लाइक काइंड ऑफ अ डिटॉक्स फॉर योर बॉडी व्हेन यू यू नो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन योर बॉडी व्हेन यू put those cups with a certain like assigned designed especially for hijama, wo aapke kuch points pe lagte hain and they suck out the toxins and wala jo blood hota hai na, jo uncirculated blood hota hai, so that's very healthy and very good for your body. So I got it done and that's why I'm looking a bit tired because thoda sa main. बट टुमारो अभी आप देख रहे होंगे मैंने माथे तक क्यों कराया, इसलिए कि मुझे माइग्रेन होता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पॉइंट्स होते हैं जिससे आपका माइग्रेन बेहतर होगा. सो माई दिस थिंग इज लुकिंग अ बिट रेड, इज इट? यस. अच्छा, थैंक यू लवली, बट आपका ड्रामा कुन फैकुन इज ऑसम, थैंक यू फॉर लाइकिंग इट. कौन है आप यार, ये क्या नाम है? एस SS1234 पता नहीं क्या. वाई डोंट यू रिप्लाई टू माई मैसेज इस SRM2 ने? कौन सा मैसेज, क्या मैसेज जो नजर आ रहा है बस वो उस पर कर रहा हूँ यार. ओके थैंक यू, इट्स मी हुमा. भीगी पल के कब रिलीज होगा? भीगी पल के अभी तक तो मेरा ख्याल है सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं, हम नहीं प्लान कर रहे, प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता, ये एक्टर्स के हाथ में नहीं होता, हमें जनरली आइडिया नहीं होता कि कब प्रोजेक्ट ऑन एयर हो रहा है. बट मैंने सुना था कि शायद ये होगा सितंबर में. वॉर ड्रामा लाइक खुदा और मोहब्बत? खुदा और मोहब्बत 3 की भी बातें चल रही हैं, शुरू होने वाला था लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से वो रुक गया. ट्रस्ट मी इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट,
It will be one of my most favorite if I manage to do it. अच्छा आप कह रहे हैं मोहम्मद साथ रशीद ने कहा कि मुझे नेगेटिव रोल नहीं करना चाहिए था। अच्छा यार पॉजिटिव बहुत कर लिए थे, कुछ थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए। अच्छा बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर ने कहा कि चंदा मैं आपकी चांदनी, बहुत शुक्रिया चांदनी, ओ मेरी चांदनी। इरफान भाई, इरफान इब्ने बशीर साहब, तारिक जमील साहब के हाथ से मुझे दो तीन दफ़ा कॉल आई, मैंने मुझे इनवाइट भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त शहर में नहीं था, मैं बाहर था, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनसे मिलने की। एंड आई ट्रूली ट्रूली लव हिम, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन, और उनकी भी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, और बहुत सारे लोगों की तरह जिसकी मैं बार 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 आप लोगों को तंबीह करता हूँ और बार बार आप लोगों को एक बात कहता हूँ, ये कि वो बहुत अच्छा, हमेशा सबके लिए वो अच्छा बोलते हैं, उनकी बातों के अंदर कोई मनफी बात मैं नहीं सुनता, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे और उलमा इकराम जो मुख्तलिफ मसलक से जिनका ताल्लुक़ होता है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से होता है, वो बाज़ा बहुत नेगेटिव हो जाते हैं दूसरों के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं होती। वो मैं किसी एक मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी की भी हो सकती है, वो शिया भी हो सकते हैं, सुन्नी भी हो सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी तरह के उससे उनका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन दूसरों के जो नेगेटिव बोलते हैं वो लोग मुझे नहीं पसंद। और तारिक सुमिल साहब की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने उनको बिल्कुल नेगेटिव नहीं, तो इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एब्सॉर्ब दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम हिम। यस आई एम सरली गोना सी हिम वेरी वेरी सून। अब के लिए एक जी मैग, मैंने पूरी उनके बारे में बात की, एक वर्ड क्या मैं बताऊं, ही इज इंस्पिरेशनल। व्हाई इज खुदार मोहब्बत योर फेवरेट सीरियल, व्हाई, ओके देयर सर्टेन रीजंस टू दिस पसंदीदगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक द स्पिरिचुअल एलिमेंट इन द सीरियल, इट गेव मी अ न्यू रिकग्निशन, एंड ट्रस्ट मी वेयर एवर आई गो, वेयर एवर, दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान या किसी रिमोटेस्ट इलाके में भी चला जाऊँ, मुझे लोग खुदा मोहब्बत के हवाले से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जो मेरे लिए इतनी फ़ख्र और इतनी खुशी की बात है। लोगों के फ़ोन्स में, लोगों के दिमागों में उसकी लाइंस होती हैं, पूरी पूरी सीन्स होते हैं, लोगों के सेल फोन्स में उसकी स्क्रीनशॉट्स होते हैं, उसके ऊपर शेयर लिखे हुए होते हैं, उसके सीन्स होते हैं, सब कुछ, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो खुदा मोहब्बत भाई, सारा मेरा काम एक तरफ, लेकिन खुदा मोहब्बत से मेरी मुझे बड़ी हुमा, हाउ डू आई चूज एनी रोल, यार हुमा होता ये है कि मैं एडमिट करता हूँ ये बात कि मेरी चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स बाज़ार बड़ी गलत हो जाती है, आई एम नॉट अ वेरी गुड डिसीजन मेकर, और मैं लोगों की बातों में भी आ जाता हूँ बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा। ये बातों में आने की वजह थी कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मना कर दी और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, और बाज़ बहुत गलत चीज़ों के लिए हाँ भी कर दी, इसलिए मेरा जनरली जो एक रीज़न होता है किसी चीज़ को हाँ या नहीं करने की, वो टीम होती है या डायरेक्टर होता है, या मेरे साथ एक्टर्स कौन है, मैं डायरेक्टर कौन है, मुझे ये होता है कि यार सेट पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, कौन डायरेक्टर है जिसके साथ मेरी बनती हो, या एक हेल्दी एक पॉजिटिव सा एक पॉजिटिव एयर हो ऑन द सेट, उस चक्कर में मैं बाज़ा बड़े गलत गलत फैसले कर लेता हूँ, लेकिन सही है, कोई इतना सीरियस लेने वाली बात नहीं है। इट्स ओके मैं इतना इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता, ट्रस्ट मी। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो होती है ना वो बस टेम्प्ररी है, अगर सीरियल हिट हो जाता है तो भी वो फेड आउट हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है तो भी वो किसी ने बात भूल जाते हैं लोग, सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू क्लिंग समथिंग टू योर लाइफ, सारी जिंदगी के लिए कि आप उसको चिपका के रखें और आप कहें कि यार रखो ये क्या कर दिया, क्या गलती हो गई, इतनी छोटी सी जिंदगी है। अभी मैंने आपको बताया थोड़े दिनों पहले कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे लगा कि अगर एक झटके शायद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर कुछ गलत उल्टा पुल्टा हो जाता तो शायद मर जाता, लेकिन तो ये सारे पछतावे और सारी चीज़ें एक झटके की मारती, एक बस
यूं होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस जिंदगी के एक मोमेंट को, एक पल को आप जिए, खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर वक्त, हर वक्त। हेलेन केलर जो थी वो एक नाबीना ब्लाइंड खातून थी, कुवत समात सॉरी कुवत बसारत जो बिनाई होती है उनको अल्लाह ने नहीं दी थी। शी डाइड व्हेन शी वाज 75 प्रॉब्ली 70s में थी। और वो बहुत, उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी बहुत खुश गुजारी। तो लोगों ने पूछा कि आपको तो अल्लाह ने बिनाई नहीं दी थी तो आप खुश? उन्होंने कहा कि मेरे पास परेशान होने का वक्त ही नहीं था, इसलिए कि मुझे अल्लाह ने जो ब्लेसिंग्स दी थी और जो मुझे नेमतें दी थी मैं उसको जब काउंट करती थी तो मुझे लगा कि मैं इतनी वो ज्यादा है कि मुझे अपनी ये जो थी एक महरूमी इसका एहसास नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को और उसकी ब्लेसिंग्स को आप जब काउंट करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन कोई परेशानी रहती नहीं है। आप सिर्फ उनको उनको गिनें, उन पर शुक्र गुजार हों और जिंदगी में पछतावों को और उदासियों को निकाल दें, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है। बहुत प्यारे प्यारे लोग चले जाते हैं अचानक, कुछ की तो एज ऐसी होती है कि हम कहते हैं कि चलो उनका वक्त था, लेकिन बस इतनी यंग एज में लोग चले जाते हैं। और इतने मेरे बहुत से दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, मेरे बहुत से प्यारे, मेरे बहुत से जानने वाले बहुत कम उम्रों में चले गए, और मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी ऐसी ही है। इसलिए वही बात दोबारा मैं उस पर आऊँगा कि लोगों के मनफी रवैयों का और बुराई आपके लिए जो करते हैं तो उनको इतना रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है और उनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बस आप दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे और आगे बढ़ जाएं। And just start forgiving people, not forgetting them, but forgiving them. माफ करना सीखें लोगों को। माफ करेंगे तो आपके अंदर की जो ग्रहें होती हैं ना वो खुलती हैं। You know, you attach yourself unnecessarily to someone, to some wrong person, to some wrong emotions, which is very unhealthy for your own life, for your own self. To untie, to unfasten those belts around you which holds you back to move on. तो बस आप ये किया करें कि लोगों को माफ करके आगे बढ़ना सीखें, ना रिएक्ट करें दूसरों का गुस्सा, लोगों के मनफी चीजों को। वो आपके ऊपर आपकी पावर होती है कि आप किस तरह उसको आप अपने ऊपर लेते हैं। अगर आप अपने ऊपर हावी ना होने दें उनको तो वो दूसरा जो है ना वो पावर लेस हो जाता है। सो डोंट गिव एनीवन दैट पावर टू कमांड योर इमोशंस एंड टू यू नो टू प्ले अराउंड विद योर मूड्स एंड विद योर हैप्पीनेस और विद योर स्टेट ऑफ माइंड। नेवर एवर गिव एनीवन दैट पावर। वो कोई भी हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो या चाहे आपका दुश्मन हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके जी, एक अजीब अजीब सवाल आ रहे होते हैं, वन वर्ड फॉर फलाना एक्टर, वन वर्ड फॉर फलाना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने उस पर ट्रिप पर निकले हुए हैं। अच्छा जी, किसी ने मुझे कहा कि ओहो इमरान ने तो ड्रामा पता नहीं कौन से की बुराई कर दी इसलिए कि वो फलाने की कॉपी थी। अरे यार, या किसी ने इमरान अच्छा इतना है कि उसने ड्रामा फलाना नहीं देखा, अच्छा उसने ये वाला सीरियल नहीं देखा। क्या रहा लाइफ मैन, क्या हो गया आप लोगों को? मतलब कोई मैं दायरे इस्लाम से खारिज हो गया अगर मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा? तो नहीं वक्त होता किसी के पास। आप सुबह से लेके जब रात को 12-1 बजे वापस आते हैं तो आपके उसके बाद आपके टीवी लगा के आप ड्रामे देखने बैठ जाते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव, दिस इज द काइंड ऑफ डेली रूटीन वी फॉलो। वी कैन नॉट switch on our televisions and watch Saas Bahu and Bakwas. Even I don't watch my own TV project, TV serials. Because वक्त नहीं होता यार। अब उसमें कुछ अगर आपने नहीं देखा तो उसको इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई। मैंने पिछले कई सालों से टीवी ड्रामे हार्डली कोई एक दो देखे होंगे, वो भी फॉलो करके नहीं, बीच में से कहीं कुछ लग गया तो लग गया। अब वो वाला वक्त नहीं है, आपके पास भी नहीं होता होगा। तो अगर मैंने कोई सीरियल नहीं देखा तो उसमें मैंने किसी की बेइज्जती नहीं कर दी कि मैंने फलाना सीरियल देखा। मैंने अपने सीरियल भी नहीं देखे कि इमरान अब्बास एक्सपीरियंस, उसने सुनो चंदा नहीं देखा। अरे भाई, सुनो चंदा, सुनो
बेटा सुनो बाजी, मैं नहीं देखता ड्रामे, कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी मैंने राजा राजा कर दिया कुछ कुछ पोर्शन देखा था, एंड आई थिंक इमरान अशरफ वॉज सुपर, ही वॉज ब्रिलियंट एंड आई लव हिज वर्क। नए लड़कों में वो कितना अच्छा काम कर रहा है, मतलब मैंने उसको खास तौर पर उसके लिए ट्वीट किया। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं होती अगर किसी तारीफ कर दें, और अगर आप कोई चीज़ नहीं देख रहे तो अगर आप पीपल हु नो मी, हु माई फ्रेंड्स एंड हु आर क्लोज टू मी, दे नो दैट आई एम अ वेरी वेरी ओपन एंड अ पर्सन हु ऑलवेज स्पीक वट एवर कम्स टू माई माइंड, वट एवर क्रॉसेज माई माइंड विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, आई एम अ बहुत बहुत सच्चा पर्सन, मैं वेरी सच्चा इंसान। मुझे मुझे कोई लगी लिपटी करनी नहीं आती, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसके बारे में बोलता हूँ, जो भी बुरा लगता है। इसलिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ माई करियर आई डोंट नीड टू प्लीज एनी वन एंड आई डोंट केयर कि कोई किसी को कुछ बुरा लगेगा तो क्या होगा, किसी को अच्छा लगेगा तो उसको शायद मुझे काम मिले, ऐसे कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे देना था उसने मुझे दिया, और मुझे मेरी मेहनत की वजह से, मुझे मैंने किसी को खुश कर करके और लोगों की तरह काम नहीं लिया कि मैं किसी की तारीफ करूंगा या किसी के चैनल की तारीफ करूंगा या किसी के अवार्ड्स की तारीफों में मैं डिफेंड करना शुरू हो जाऊंगा लोगों को, किसी को या फलाना या सब कुछ, तो मुझे इससे काम मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है मैं उस जगह पे ना कभी था और ना ही कभी अल्लाह करे हूँ और ना ही कभी होऊंगा, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे दिल में आता है मैं बोलता हूँ, जो मुझे सच लगता है, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन एक बात है कि मैं नेगेटिव नहीं बोलता फॉर द सेक ऑफ नेगेटिविटी, मैं ऐसे नहीं बोलता कि मुझे किसी को एतराज़ करने का शौक है। मुझे किसी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं क्या करूँ कि मैं सो, और अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं मुझे मुझे मैं बोलूँगा कि मुझे बुरी लगती है या मैं चुप रहूँगा। लेकिन यहाँ मैंने किसी की बुराई नहीं की थी, मैंने यही कहा था कि मैं टीवी ड्रामे नहीं देखता हूँ इसलिए कि मुझे, मेरे पास वक्त नहीं होता, मैंने काफ़ी अर्से तक मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। आई रादर प्रेफर वॉचिंग नेशनल ज्योग्राफिक, बीबीसी, बीबीसी पीपल कौन सा है आइए ना, और या एनिमल प्लानेट, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। दिस इज माई चॉइस, इफ आई लाइक, इवन आई लाइक कार्टून्स, अगर मुझे वो अच्छे लगते हैं तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या मैं, आप, मैं इंसानियत के जमरे से निकल गया हूँ या क्या मैं मुसलमान नहीं रहा हूँ या क्या मैं, क्या हो गया? मतलब ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जो इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन गई थी कि मैंने इमरान अब्बास ने कहा कि फलाना टीवी ड्रामा से नहीं देखा। पागल है यार लोग लिखने वाले, आपको दिमाग सही है, कोई और काम नहीं करने को? न्यूज नहीं देखता यार मैं सीरियसली मैं न्यूज नहीं देखता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच आई डू टू माई सेल्फ नाउअडेज़। आई डोंट रीड न्यूज पेपर्स, मुझे पता है कि ये गलत चीज़ है, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे न्यूज डिप्रेस कर देती हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ काफी अरसे से एक रिवाज है कि बुरी खबर को आपने दिखाना होता है, अच्छी चीज नहीं दिखानी होती, और हेडलाइंस बनाने के लिए आपको पिछली खबर से ज्यादा बड़ी और बुरी खबर देनी होती है, जिससे मुझे लगता है कि हम सबके जहनों को बहुत बहुत नुकसान पहुंच रहा है। दिस रैट रेस ऑफ शोइंग बिगर न्यूज, ऑफ ब्रेकिंग बिगर एंड वर्स न्यूज इज सो डेट्रीमेंटल टू आर मेंटल हेल्थ। आई पर्पसफुली डोंट वॉच न्यूज एट ऑल, इवन आई डोंट गो थ्रू न्यूज पेपर, आई डोंट रीड न्यूज पेपर्स। मेरे कमरे के बाहर न्यूज पेपर लटका रहता है और इसी तरह वापस चला जाता है। मैं इनसे कह चुका हूँ कि भाई मेरे ना मुझे ना दें ये अखबार और जो कागज आप जाया कर रहे हैं, किसी और की जगह पर चला जाए, मुझे खबरें देखने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं, मुझे मगर मुझे नहीं पता चलेगा कि किसकी क्या वीडियो आई है, डॉलर का रेट क्या हो गया, किससे कुछ नहीं पता मुझे। जो अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी, कितना टैक्स देना है, क्या करना है, क्या करना है, वो मुझे समापन भी वरना तो पता चली जाएंगी। लेकिन ये जाहिलों की तरह लड़ते हुए, पॉलिटिशियंस कुत्तों की तरह लड़ते हुए, स्क्रीन के ऊपर दूसरों को गालियां देते हुए, गंदी जबान इस्तेमाल करते हुए लोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होते और ये मेरा पूरा दिन खराब कर देते हैं। सो आई डोंट वॉच न्यूज। ओ वाई एम आई वेयरिंग नमाज की टोपी यार, बस आई जस्ट वोर इट जस्ट लाइक दैट एंड उसके बाद मैं उतारूंगा तो मेरे बाल इतने खराब हो चुके होंगे कि मैंने कहा वो पहन के रखता हूँ थोड़ी देर पहले मैंने नमाज पढ़ी थी इसलिए टोपी साइड पर रखी हुई थी। हाँ जनाब,
गुलजार की पोइट्री एमन, यस 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 यस, मुझे मेरी दोस्त सी ज़ारा, उसने दी थी गुलजार की एक किताबों का, सॉरी शायरी का एक मजमूआ, तो वो क्या नाम था उसका, वो उसमें इंग्लिश में भी थी, उर्दू में भी थी और हिंदी में भी थी, तो नाम भूल गया मैं उसका, बड़ी अच्छी सी किताब थी। 20 मिनट्स, 20 मिस क्यूट ने कहा, जनाब जनाब प्लीज हेल्प। क्या क्या हेल्प करनी है ये, क्या करना है भाई? मेरी कौन सी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई? अच्छा सारी यार, मेरी तो ख्वाहिशों से ज़्यादा सब कुछ मिला मुझे, सब अल्लाह का शुक्र है। आई एम वेरी फुलफिल्ड, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो पूरी नहीं हो। अब मेरी नेक्स्ट के लिए ख्वाहिश है कि मैं एक ओल्ड होम बनाना चाहता हूँ उन बुज़ुर्गों के लिए जो अनअटेंडेड होते हैं, जिनको उनकी औलादें जो हैं वो छोड़ के चली जाती हैं, वो बदकिस्मत औलादें और वो बेगैरत औलादें जो अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत अच्छा सा एक ओल्ड होम बनाऊं, जहाँ उनकी उनका ख्याल रखा जा सके, उनको उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको टाइम दिया जाए। उनके लिए सबसे इस उम्र में इम्पोर्टेंट जो होता है वो उनका अकेलापन होता है, जिससे वो डील नहीं कर पाते। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसी कोई जगह हो जहाँ उनको बैठ के उनसे बातें की जाएँ। इवन लास्ट रमज़ान में, इस दफ़ा तो मैं आया तो मेरे पास, मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, बट मैं बिनते फातमा ओल्ड होम में जा गया कई दफ़ा। वहाँ मैंने देखा कि इतने प्यारे प्यारे बुज़ुर्ग हैं, सॉरी कई दफ़ा तो नहीं, एक ही दफ़ा गया था, क्योंकि आखिर में ही मैं मुझसे वो जगह इंट्रोड्यूस हुई जहाँ जो मैं इफ्तार के बाद मेरे पास टाइम रखा मतलब, बट दिस टाइम आई एम सडनली सडनली गोना विजिट दिस प्लेस मल्टीपल टाइम्स। और उन औरतों के साथ, उन माओं के साथ जिनको उनकी औलादें छोड़ के चली जाती हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। और आप भी दिन में ये सोच के निकला करें हर सुबह कि आपने आज कितने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरनी है और कितनों के साथ ऐसा कुछ करना है जिससे वो खुश हों। अल्लाह आपसे बहुत खुश होगा अगर आप, और ये बड़ा सदका जारिया होता है, कोशिश किया करें और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ अच्छे रहा करें जिन जो बज़ाहिर आपसे कम साहिब हैसियत हैं, या जो आप इतने प्रिविलेज नहीं हैं जितने आप लोग हैं, उनके दिल बहुत छोटे और बहुत दुखे हुए होते हैं। आप कोशिश करें कि उन लोगों के साथ अच्छा पेश आए और उनकी मुस्कुराहट लें, उनकी दुआएं लें। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दुआ मुंह से दें या ज़बान से दें या आवाज़ से दें, अल्लाह देख रहा होता है। और जो कारमा होता है ना, दैट इज़ कमाल की चीज़, इट कम्स बैक। और आपको बार बार ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि यार यार फलानी जगह से मुझे कोई गैब की मदद हुई, फलानी जगह से मुझे समझ में नहीं आया कि अरे अचानक कोई आया, और कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके पिछले आमाल होते हैं जो आपको पता नहीं होता, और बाद में वो ऐसे घूम फिर के आते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। माई गुड हैबिट, यार ऐसी कोई अच्छी आदत नहीं है मेरी, बस मैं ऐसे ही हूँ, आम से इंसान हूँ, बस अच्छा सोचता हूँ सबके लिए और अच्छी सोच रखता हूँ, ये एक अच्छी बात है, शायद कोशिश करता हूँ, लेकिन जाहिर बात है मैं अभी मुकम्मल इंसान नहीं हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं। हेलो फ्रॉम ह्यूस्टन, आई थिंक वी आर कमिंग टू ह्यूस्टन इन अक्टूबर फॉर हम अवार्ड्स। अरमान डॉट नईम ने कहा, वन वर्ड फॉर ड्रामा चीख। अरे बाबा नहीं देखा मैंने चीख, अब इसको इशू ना बना लेना, मैंने ड्रामे नहीं देखता मैं, मुझे आप मेरे ड्रामे के बारे में पूछोगे तो मैं हार्डली मैं बता सकूंगा, इसलिए कि मैं अपने भी नहीं फॉलो कर पाता, मुझे नहीं पता वो कौन सा ड्रामा था, उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स थे क्या, बट आई जस्ट हैड द आइडिया अबाउट द स्टोरी ऑफ द सीरियल, दैट्स व्हाई आई स्पोक अबाउट इट, एंड देयर वाज नथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विच वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। ऐसा होता है, इंस्पिरेशन ली जाती हैं कहानियों से। मेरा अपना ड्रामा नूरुलैन जो था वो साथिया की कॉपी था, जब जब ने किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये तो बिल्कुल साथिया है, लेकिन क्या कर सकते थे,
अच्छी कहानी थी, साथ ही अगर मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म थी, लेकिन हाँ इट वॉज स्ट्रेच्ड टू अ सीरियल ऑफ 22 एपिसोड्स विच वॉज नॉट ऑन, लाइक वो अच्छी बात नहीं थी। तो जब मैंने करना शुरू किया तो मैंने पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, मैंने किया तो मैंने कहा भाई ये क्या किया आपने, तो इतना 2.5 घंटे की फिल्म को आपने 25 किस्तों में 24 किस्तों में खींच दिया, तो जाहिर बात है ड्रामे का इंटरेस्ट तो खत्म होना ही था। और एक बनी बनाई इंडिया की एक बड़ी फिल्म है जो कि बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे मुझे तो बड़ी पसंद थी, साथिया शाद अली ने बनाई थी जो कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि उसकी ड्रामा ही बना दिया जाता, तो ऐसा होता है, उसमें कोई ऐसी मतलब गलत बात नहीं थी। अगर मैंने कह दिया था कि चीख फलाने फिल्म की कॉपी थी, मेरी अपनी फिल्म अपना अपना ड्रामा जो था मेरी अपनी एक बहुत बड़ी इंडियन फिल्म की, मैंने आपको बताया था साथिया की कॉपी थी नूरालैंड, हो जाता है इंस्पिरेशंस ली जाती हैं, लेकिन बाज ऑफ एक्टर्स भी फंस जाते हैं चीजें करने के बाद, साइन करने के बाद। बट आई थिंक एक्टर्स डिड वेरी वेल। मैंने जो थोड़ा बहुत बीच में से कहीं देखा उस ड्रामे के कुछ एक दो, क्योंकि मुझे टैग कर रहे होते हैं लोग, तो एक्टर्स सबा तो एक्टिंग में कोई शक ही नहीं है, दिस बॉय बिलाल अब्बास आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी वेरी गुड एक्टर। और मैंने कहीं और भी लिखा था कि अभी नए लड़कों में आई थिंक इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर, मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर, बहुत आगे जाएगा ये लड़का, एंड इज वेरी वेरी गुड। एंड एजाज भाई तो अच्छे हैं ही, अच्छे एक्टर हैं, और कौन था उसमें मुझे पता नहीं। सो बट सीरियसली आई डेंट वॉच दैट सीरियल बिकॉज आई डोंट आई हैवेंट वॉच्ड एनी सीरियल फॉर दैट मैटर, सो प्लीज डोंट टेक इट नेगेटिव ऑल दोज हु आर फैंस ऑफ चीख ड्रामा और सुनो चंदा, प्लीज रिलैक्स बिकॉज मैंने नहीं देखे ड्रामे बहुत अरसे से, लेकिन अगर कोई ड्रामा हिट है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ है, तो अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी, सो अच्छा होगा वो डेफिनेटली, उसमें मैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब मैं मुझे क्या मुझे एतराज़ क्यों होगा भैया, एतराज़ करने वाला मैं क्या होता हूँ, लेकिन ना मेरी नज़र से नहीं गुजरा। किसी ने लिखा है हु इज बिपाशा है, अच्छा राजत ने लिखा, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू जी, आप तो रिप्लाई ही नहीं करते, अनम वेब ने लिखा, अच्छा जी ठीक है जी, कर तो दिया और क्या चाहिए, बोल रहा होता हूँ ना कुछ तो फिर अपने ट्रिप पे निकला हुआ होता हूँ, फिर नहीं आता ना, सामने से गुजर जाती हैं चीज़ें, मैं क्या किया करूँ। अरमा नहीं, आयजा खान और सनम जंग बोथ आर वेरी 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 गुड एंड डियर फ्रेंड्स ऑफ माइंड, सो प्लीज ये कंपैरिजन कराना छोड़ दें। आई वॉन्ट टू वर्क विद यू एंड योर टीम, कौन है भाई, एंजेलिना जमीन, इतनी दूर समझ ऐसी नजर आ रहा है नाम अगर लग पड़ो तो। डू यू बिलीव इन अल्लाह, ओनली मी 84, क्या सवाल था ये, ये जो टोपी आपको नजमाज की नजर आ रही है ये क्या मैंने है? कि मेरे को डांस करने के लिए पहनी हुई है, उम्मे उर्फा हेलो, माई कजिन हफ्जा इज योर बिग फैन, प्लीज से हाई टू हर प्लीज, क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है उनको हाई कर दूं तो आप डायरेक्ट वो भी नहीं बात कर रही, इंस्टाग्राम पे शर्मा रही है क्या, आपकी शादी हुई है, अगर हुई है तो वाइफ का नाम, अरे भाई नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई, जो गूगल पे वाइफ का नाम आता है वो शक्ल भी देख लिया करें, कभी रीमा की शक्ल लगा रहे होते हैं, कभी मोनालिसा की शक्ल लगा रहे होते हैं, कभी किसी कभी लिखा होता है अलीना अब्बा अनिला अलीना अलीना अब्बास को क्या, आपका बर्थडे कब है, 15th of October, ब्रो 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 अब तो रिप्लाई कर दो हमजे एक्स, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, सरदर सरदर सरदर, आपके साथ टोपी बहुत अच्छी लग रही है, काश आप मेरे भाई होते।
कोई रिश्ता आपसे जरूर होता मेरा। थैंक यू सो मच ताबी खान, कितनी प्यारी आपने बात की है यार, है ना, भाई हूं मैं आपका यार। जिससे मैंने वाला ड्रामा खत्म प्लीज। ओए ये क्या किया मैंने, हाँ ये ठीक है। स्टार्स नॉट बैड। फरा आबिद ने कहा थैंक्स फॉर मेकिंग माई मूड गुड, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया जी फरा, मूड फ्रेश कर दिया आपने। तनवीर यूसुफ भुट्टा, बहुत शुक्रिया भुट्टा जी, यार बहुत इनोसेंट लग रहे हैं आप। किसने कहा? जोया ने कहा, अच्छा जी। Your acting is amazing. Maria, अच्छा पढ़ रहा हूँ। नहीं इमरान, मेरी क्या विश है आप से मिलना कभी। हुसना जरूर जरूर जरूर, अपनी अम्मी के बारे में कुछ बताइए। ओके मेरी मम्मी, अल्लाह मियाँ को जिंदगी दे, एक हाउसवाइफ हैं, थोड़ी बीमार रहती हैं इसलिए कि उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था कुछ सालों पहले, तो बेड रिडन तो नहीं है लेकिन अब वो थोड़ी स्लो हो गई है। शी वॉज अ वेरी वेरी एक्टिव वुमन जिन्होंने काफ़ी एज में भी अब बिल्कुल वो अपने घर के सारे काम खुद करती थी, उन मशीन खुद लगाती थी, ऑटोमेटिक वाली नहीं जो हाथ से मशीन धोते हैं ना कपड़े वो वाली, और वो खुद अपने घर के काम करती थी। कहती थी कि नहीं मुझे मेड्स के अलावा भी जो है ना सारे काम खुद करने चाहिए, और वो बहुत एक्टिव माशाल्लाह, और उन्होंने बड़े बुरे बुरे वक्तों में हमारी फैमिली को सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी की वजह से बहुत सारे लोग मिले जुड़े, ख़ानदान जुड़े, और शायद वो चीज़ मेरी मेरी माँ की वजह से ही मेरे अंदर आई कि बहुत दूसरों का ख्याल रखने वाली ये खातून। मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं अपनी एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जो कि जिन्होंने ख़ानदानों को मिलाया, जिन्होंने जोड़ के रखा सबको। सो अल्लाह मियाँ मेरी माँ को सेहत दे, और सब माओं को जो भी यहाँ है, मेरे फैंस इस वक्त यहाँ हैं जो मेरी चैट को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सब की माओं का साया सलामत रहे उनके सरों पे, माँ से बड़ी चीज कायनात में आपके लिए माँ अल्लाह के बाद और अल्लाह के रसूल और उन पाक हस्तियों के बाद अगर कोई आपका अपना है तो वो माँ है। माओ की बहुत कदर करें। अच्छा जी, आयरन एल्गियोरा, आर यू स्टिल सिंगल, आपने पूछा। यू लुक काइंड एंड स्वीट, कैन यू सिंग अ सॉन्ग। शेर यार भी दिमाग नहीं चल रहा और ना ही गले में इतनी ताकत है कि मैं गाऊं। शेर अच्छा चलो सुनाता हूं, एक नज़म है छोटी सी, ठीक है। उस नज़म का उनवान है भूलता कौन है। भूलता कौन है वक्त के घाव को, हिजर के तुन तूफान में वसल के ख्वाब की डूबती नाव को। भूलता कौन है, भूलता कौन है। उम्र की शाख,
उम्र केश की शाख पर खिलने वाली उसी कवली शाम को, भूलता कौन है अपने कातिल के कातिल खदो खाल को, दुख उठाते गमों और महों साल को, भूलता कौन है, भूलता कौन है उम्र की शाख पर खिलने वाली उसी अवली शाम।